मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में दादा की बातें, और दादा की बातें उन भक्तों के द्वारा जो महाराज जी पर नित्य सेवा भाव से आते हैं चर्च लेन में, और वो इस आशय की यादें लेके जाते हैं, उनकी यादों के वो संस्मरण बन जाते हैं कि अगर वो साहित्य में उपलब्ध नहीं होते तो मैं भी आपको नहीं सुना पाता। वहां आने वाले भक्तों में हनुमान मौर्य जी हैं, 1977 से और 80 तक वो नित्य चर्च लेन में गए हैं, और अनंत यात्रा पर बाबा जी के चले जाने के बाद वहां जो चरण सेवा शुरू हुई है उसका कारण क्या था, किस तरह से ये पुष्प सेवा शुरू होती है, ये सब चीज दादा के द्वारा जब शुरू हुई तो लोगों ने कैसे जाना। दादा ने पुष्प सेवा जो शुरू की है वो अनायास शुरू हुई है, अचानक शुरू हुई है, और उसका एक कारण था महाराज जी उपस्थिति का एहसास उन्होंने करवा दिया था कि हम कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं पर हैं। और आपको पता ही है कि दादा बाबा के अलावा किसी की चर्चा नहीं करते थे। अगर कोई अन्य चर्चा करने लगे, भाई जब चार भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, हकीकत तो मैं यहां तक मैं बहुत कथा से हटके आपको एक नई बात बताना चाहता हूं, अनुभव की बात बताना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होने गया है, अंत्येष्टि स्थल पर बैठा है और उसके आसपास चार लोग जाहिर है सब जान पहचान के होते हैं सब, तो वो वहां बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां भी लोग कभी राजनीति की चर्चा करते हैं, कभी समाज की चर्चा करते हैं, कभी किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है कि अंत्येष्टि स्थल में वैराग्य उत्पन्न होता है, जबकि वास्तव में अब ऐसा नहीं है। मैं अपने अनुभवों से बताता हूं कि कई अंत्येष्टियों में मैं गया हूं और वहां पर भी लोग चर्चा कर देते हैं। सच में समय, स्थल, वातावरण, ये सब देखकर आदमी को काम करना चाहिए। मैं लौट के आता हूं उसी चर्च लेन में, और दादा जब कोई बात करते हैं तो बाबा की बात करते हैं, बाबा की चर्चा करते हैं, लेकिन जब कभी भक्त हो जाते हैं वहां इकट्ठे तो अगर कोई दूसरी चर्चा करने लगता है तो दादा राम राम कह के अपने कक्ष में चले जाते हैं, वो फिर कोई बात नहीं करते। क्यों? कि भक्ति का ऐसा अनूठा उदाहरण विश्व में दूसरा नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक काम यदि आपको रोज दे दिया जाए, एक चीज दे दी जाए कि आपको वहां पर यह काम करना है, तो आपको एक ड्यूटी सी लगेगी, आप मतलब सभी से है। लेकिन दादा के तन में, दादा के मन में, दादा के वातावरण में, दादा के दिमाग में, दादा के अंग अंग में, दादा के रोम रोम में समा गए बाबा, और तभी बाबा ने उन्हें शक्तियां दी, तभी दादा बाबा में बन पाए। इसलिए उनके यहां चर्च लेन में जाके कोई दूसरी चर्चा करे और दादा बैठे हो तो दादा उसे मना नहीं करते हैं, बल्कि राम राम कहके अपने कक्ष में चले जाते। मित्रों, दादा को याद आता रहा कि जब बाबा होते थे तख्त पर तो वो किस समय बुला लें, और बुला क्या लें, उन्हीं की सेवा में खड़े रहते थे, यहां तक भूख प्यास सब कुछ गायब होती थी। अंत में महाराज जी कहा करते थे कि दादा खाना खाओ, और खाना खाया और बाबा की सेवा में दादा पुनः हाजिर हो गए। तो वो जब यादें आती हैं
तो उसकी जो भरपाई उन्होंने की है वो पुष्प सेवा से शुरू कर दी है, चरण सेवा से शुरू कर दी है। और ये चरण सेवा हनुमान मौर्य जी लिखते हैं कि एक कलाकार एक चित्रकार की नहीं भक्ति भावना की थी, क्योंकि प्रोफेसर साहब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, किसी आर्ट और उसके नहीं थे। वो 7 बजे से 1:30 बजे तक झुके झुके तखत पर पुष्प सज्जा करते रहते थे। हनुमान मौर्य कहते हैं कि एक दिन जब दादा पुष्प सज्जा कर रहे थे तो मैंने वहां, मेरा रोज आना जाना था, मैंने चाय बनाई और चाय बना के सुधीर दादा को हमने धीमे से कहा, दादा चाय। दादा ने कहा, ऐसे पलट के एकदम चौक से गए। आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि कोई आदमी डूब के काम करता है, चाहे वो पढ़ रहा हो, लिख रहा हो या किसी में सोच रहा हो, और आप उससे उसकी तंद्रा को भंग कर दें तो चौक जाएगा। ऐसे ही दादा चौंकते हैं पुष्प सज्जा करते हुए और फिर एकदम कहते हैं कि रख दे अभी पीता हूं। उन्होंने चाय रख दी, ऊपर से उसकी तस्तरी रख दी और हनुमान मौर्य चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद फिर आते हैं और 1 घंटे के बाद वो ये देखते हैं कि चाय वहीं की वहीं रखी हुई है, दादा अपनी पुष्प सज्जा में लगे हुए हैं। मैंने 1 घंटे के बाद दादा से फिर कहा आगे, दादा चाय। दादा ने कहा कि तूने मुझे बताया नहीं, चलो मैं अभी पीता हूं। मित्रों, ऐसा समर्पण, ऐसी तपस्या, ऐसी लगन, ऐसी तल्लीनता, ऐसा स्नेह, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास सब जगह नहीं मिलता। दादा ने अपना पूरा जीवन महाराज जी के रहते हुए, जब से संपर्क में हुए तब से और जब तक महाराज जी की मानव देह रही तब तक महाराज जी के आज्ञा पालक रहे, महाराज जी ने जो कह दिया वही करने लगे। और उनके जाने के बाद उनकी जो पुष्प सज्जा या पुष्प तपस्या शुरू हुई वो किसी सेवा से कम नहीं रही। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे यहां विराजमान नहीं है। और आज भी 4 चर्च लेन प्रयाग इलाहाबाद लाल मकान महाराज जी के वहां होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। जब कभी मौका मिले तो आप वहां जाके दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, वातावरण सही होने दो, मैं पहुंचता हूं वहां और आपको वहां से पूरे दर्शन कराऊंगा। राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।